भारत माता की, भारत माता की। मैं खाटू श्याम जी को शीश नवाकर प्रणाम करता हूं। श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ को भी मेरा प्रणाम। रतलाम की पहचान स्वाद के लिए है। रतलाम आए और रतलामी सेव नहीं खाया तो उसे रतलाम आया माना नहीं जाता है। सही बात है ना? यही सच्चाई है ना? जब 3 दिसंबर को भाजपा सरकार की वापसी का जश्न मनेगा तो लड्डू के साथ रतलामी सेव भी खूब खाया जाएगा। मेरे परिवारजनों, एमपी में भाजपा के समर्थन में चल रही ये आंधी अद्भुत है। जो लोग दिल्ली में बैठ करके गुणा भाग करते रहते हैं ना, वो आज उनका हिसाब किताब बदल जाएगा। अब चर्चा ये नहीं होगी कि कौन जीतेगा, चर्चा ये होगी कि भाजपा 2/3 बहुमत लेगा कि 2/3 बहुमत के कम रहेगा। ये भाजपा ही है जिसने एमपी को एग्रीकल्चर में इतना आगे बढ़ाया। ये भाजपा ही है जिसने एमपी को रोड और रेल नेटवर्क में इतना आगे बढ़ाया। ये भाजपा ही है जिसने एमपी में औद्योगिक विकास किया, इसे आधुनिक शिक्षा का हब बनाया। इसलिए एमपी के लोग भाजपा पर अटूट विश्वास करते हैं और भाजपा पर मध्य प्रदेश का ये भरोसा तब से है जब देश में भारत को भाजपा को बहुत कम लोग जानते थे। आज तो भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आज केंद्र में करीब 10 साल से भाजपा की सरकार है। वो भाजपा सरकार जिसने भारत को विश्व में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बना दिया। वो भाजपा सरकार जिसने कोरोना के इतने बड़े महासंकट से उसमें देश को पिछड़ने नहीं दिया। वो भाजपा सरकार जिसके कार्यकाल में देश ने चंद्रमा पर अपना झंडा गाड़ा। आज भारत के गौरव को नई बुलंदी मिली है, नई पहचान मिली है और इसमें मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए लोग आज कहते हैं कि एमपी के मन में और मोदी के मन में, चलिए एमपी कर रहा है एक बार फिर। मेरे परिवारजनों, देश हो या फिर हमारा मध्य प्रदेश, कांग्रेस के पास सिर्फ झूठी घोषणाओं का भौंपू ही बच गया है।
मध्य प्रदेश के विकास के लिए ठोस रोड मैप क्या होगा ये कांग्रेस को पता तक नहीं है। इतनी दूर की कांग्रेस सोच ही नहीं सकती। कांग्रेस के नेता फिल्मी हैं, कांग्रेसियों के डायलॉग भी फिल्मी हैं, कांग्रेस की घोषणाएं भी फिल्मी हैं, और जब किरदार फिल्मी है तब सीन भी तो फिल्मी ही होगा। यहां कांग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कंपटीशन चल रहा है और अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है। ये अपने अपने चेलों को बताते हैं कि एक बार अगर मौका मिल गया ना तो उसके बाद वो खुद के तो फाड़ेंगे आपके भी फाड़ेंगे। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद यहां कांग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी, कांग्रेस की असली सिर फुटबल होगी। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है साथियों। कांग्रेस की आपसी लड़ाई में हमें एक बात कभी भी भूलनी नहीं है। आप याद रखिए, ये जो आपस में गुत्थम गुत्ता है ना, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे ना, जहां भी उनका मौका मिला है ना, उन्होंने जनता के ही कपड़े फाड़ दिए हैं, और इसलिए इनको अवसर देना ये बहुत बड़ा संकट होता है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखिए, 5 साल तक इन्होंने इन राज्यों का क्या हाल कर दिया है। कांग्रेस मतलब राज्य में हजारों करोड़ के घोटाले, कांग्रेस मतलब राज्य में अपराधियों का बोलबाला, कांग्रेस मतलब राज्य में गरीबों से विश्वासघात, कांग्रेस मतलब राज्य में दलितों पिछड़ों आदिवासियों पर अत्याचार, कांग्रेस मतलब राज्य को बीमार बनाने की गारंटी। कांग्रेस को ऐसे ही काम उनके चरित्र में बन गए, उनके स्वभाव में बन गए, उनके खून का हिस्सा बन गए हैं। आप जानते हैं कि यहां के कांग्रेस के शीर्ष नेता आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये सीएम की कुर्सी के लिए ही नहीं, लेकिन वो उन्हें पता है उनकी दाल यहां गलने वाली नहीं है, इसलिए वो सीएम कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये जो अंदर गुत्थम गुत्थी चल रही है ना, कपड़ा फाड़ काम चल रहा है ना, वो तो दोनों नेता तो अपने अपने बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे किसको मिलेगा। लड़ाई इस बात की है कि किसका बेटा मध्य प्रदेश कांग्रेस पर कब्जा करेगा। कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद का परचम लहरा सकती है, मध्य प्रदेश का परचम लहराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। साथियों, भाजपा आपके परिवार के वर्तमान, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है। आपका सपना ही मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों मेरी गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। इसलिए गरीब से गरीब परिवार को समर्थ बनाना भाजपा सरकार का मिशन है।
इसलिए भाजपा सरकार गरीब की हर चिंता का समाधान कर रही है, गरीब की हर छोटी छोटी जरूरत को पूरा कर रही है। जैसे गरीब का बहुत बड़ा सपना होता है कि उसके पास अपना पक्का घर हो। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो गरीबों के घर बनाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये भाजपा सरकार है जिसने पिछले 10 साल में 4 करोड़ से ज्यादा घर गरीबों को बना करके दिए हैं, 4 करोड़ घर। मध्य प्रदेश में भी करीब करीब 50 लाख गरीबों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिले हैं। यहां रतलाम में भी गरीबों के लिए 90,000 घर बनाए गए हैं। ये लाखों रुपए के घर हैं और इनमें से अधिकतर घरों की रजिस्ट्री बहनों के नाम पर हुई है। और अब हमारा मध्य प्रदेश तो जब भी बहन याद करो तो मामा याद आ ही जाता है। यानी यहां की हजारों महिलाएं लखपति बनी हैं, उनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति हुई है। हमारे शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो, इसके लिए भी केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। जिसकी 18 लाख रुपए की आय है उसे घर खरीदने पर ब्याज में छूट देने वाली योजना चलाई जा रही है। और इस देश में आजादी के इतने सालों के बाद भी मध्यम वर्ग के लिए, शहरी मध्यम वर्ग के लिए किसी सरकार ने योजना नहीं बनाई थी। ये मोदी पहला प्रधानमंत्री है जिसने इसकी चिंता, इस योजना का लाभ लेने वाले मध्यम वर्ग के हर परिवार को लाखों रुपयों की मदद हो रही है। मेरे परिवारजनों, जब मैं गरीबों की बात करता हूं तो इसमें भी सबसे बड़ी संख्या मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन और मेरे आदिवासी परिवारों की रही है। ये भाजपा ही है जिसने कोरोना के संकट काल में भी गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना बनाई, एक वक्त के खाने भी किए। भूख क्या होती है ये गरीबी से निकला व्यक्ति ही महसूस कर सकता। देश की किसी मां को, किसी पिता को अपने बच्चे को भूखा ना देखना पड़े, आज मोदी इसकी गारंटी बन गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में पिछले 3 साल से गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मुफ्त राशन से जुड़ा एक और निर्णय, और मोदी तो गरीबी से निकला है ना, तो उसे मालूम है। और मेरा एक और निर्णय है, मेरा और एक निश्चय है, वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद उसका समय पूरा हो रहा, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन मोदी का निश्चय है आने वाले 5 साल के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। आने वाले 5 साल तक 80 करोड़ मेरे देशवासियों का चूल्हा जलता रहे, ये मोदी की गारंटी है। और अब ये योजना 5 साल के लिए आगे बढ़ेगी।
गरीबों को राशन मुफ्त में मिलता रहेगा, उससे जो पैसे बचेंगे वो जीवन की और आवश्यकताओं के लिए मेरा गरीब लगाएगा। देश के हर गरीब को, हर माता बहन को मोदी जब गारंटी देता है ना, तो गारंटी पूरी करने की गारंटी भी साथ अध्यक्ष आता है। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार की हर योजना के मूल में माताएं, बहनें और बेटियां हैं। शौचालय के अभाव में, गैस कनेक्शन के अभाव में, बिजली और पानी के अभाव में सबसे अधिक परेशानी अगर किसी को होती है तो परिवार में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को होती थी। उज्ज्वला योजना के कारण आदिवासी परिवारों की, दलित पिछड़े परिवारों की, करोड़ों बहनों के धुएं से मुक्ति मिली है। और आपको कुछ ही दिन पहले रक्षाबंधन पर एक और खुशखबरी मैंने भेजी थी, उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए गैस सिलेंडर 500 रुपया सस्ता कर दिया गया। बहनों को पानी के लिए घर से दूर ना जाना पड़े, इसका बीड़ा भी आपके इस भाई ने उठाया है। हर घर जल अभियान के तहत मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों को नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है। और वो दिन दूर नहीं जब एमपी के हर घर में पाइप से पानी की सुविधा होगी। साथियों, डबल इंजन सरकार का क्या फायदा होता है, इसका एक और उदाहरण हमारे जनधन खाते हैं। मोदी ने महिलाओं के बैंकों में खाते खुलवाए, हर लाभ उन बैंकों के खाते में पहुंचे, इसकी व्यवस्था की। यहां मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने उन बैंक खातों के माध्यम से बहनों बेटियों तक सीधी सहायता पहुंचाई। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। गर्भवती माताओं को भी अच्छा पोषक आहार मिले, इसके लिए भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रही है। इसके तहत भी मध्य प्रदेश के लाखों बहनों को 1600 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मेरे परिवारजनों, माताओं बहनों के सशक्तिकरण की सच्ची कोशिश भाजपा सरकार की सही पहचान है। इसलिए भाजपा ने महिलाओं को दी गई अपनी एक एक गारंटी पूरी की है। महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण की बात पर कांग्रेस बरसों तक बैठी रही। हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर महिलाओं की बरसों पुरानी मांग पूरी की। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो एक परिवार से बाहर देख ही नहीं सकती, इसलिए आदिवासियों के सच्चे सशक्तिकरण के लिए भी उसने कभी काम नहीं किया। आप याद कीजिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी का कांग्रेस ने कितना घनघोर विरोध किया था। भाजपा के ही एक पुराने नेता को उनके खिलाफ मैदान में उतारकर कांग्रेस ने दिखाया कि वो आदिवासी बेटी को रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है। इसलिए पूरे देश का आदिवासी समाज कांग्रेस से बहुत नाराज है, कांग्रेस को सजा देने के मूड में है। मेरे परिवारजनों, आदिवासी हितों की रक्षा, आदिवासी भाई बहनों का कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। ये भाजपा है जिसने देश की आजादी में आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दी है। ये भाजपा सरकार है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। कुछ दिन पहले ही हमने रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती को धूमधाम से मनाया। मुझे जबलपुर में उनके भव्य स्मारक का, गौंड संस्कृति के स्मारक का शिलान्यास करने का अवसर मिला। मैं और शिवराज जी दोनों वहां जाकर के एक बहुत बड़े काम का आरंभ किया। आज भारत के आधुनिकतम रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर है। आज जननायक टंट्या भील के नाम पर मध्य प्रदेश में अनेक संस्थान हैं, अनेक योजनाएं हैं। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार लोकल उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए एक जिला एक उत्पाद के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रतलामी सेब को चुना गया।
यहां नमकीन क्लस्टर भी स्थापित किया गया है, जो नए औद्योगिक क्लस्टर बन रहे हैं उससे भी छोटे छोटे उद्योगों को बल मिलेगा। नए टेक्सटाइल पार्क से भी अनेक रोजगार बनने वाले हैं। भाजपा के शासन में 21वीं सदी का मध्य प्रदेश अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस हो रहा है। रतलाम से भी कभी 8 लेन का एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा, पुरानी पीढ़ी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आज ये एक सच्चाई बन चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से ये क्षेत्र कोटा और सूरत जैसे शहरों से भी कनेक्ट हो गया है। अब यहां उद्योगों के लिए नया गलियारा बनने जा रहा है, नया कॉरिडोर बनने जा रहा है, इससे यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने जा रहे हैं। इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में मालवा की रतलाम की पहचान और सशक्त होगी। मेरे परिवारजनों, देश में ऐसा कोई नहीं है जिसे कांग्रेस ने कभी ठगा नहीं है। हर चुनाव में कांग्रेस कर्ज माफी का जुनजुना लेकर आती रहती है। पिछली बार भी उन्होंने यही किया था, लेकिन कांग्रेस का इतिहास है कि कांग्रेस की कर्ज माफी का फायदा किसानों को नहीं, कांग्रेसियों को उनके चेले चपाटर को ही मिलता है, जबकि भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हम किसानों के हर छोटे बड़े खर्चों की चिंता कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में जमा भेजे गए हैं। मध्य प्रदेश में तो डबल इंजन सरकार के कारण किसानों को डबल फायदा मिल रहा है। आज अनाज हो या फिर दलहन तिलहन, कांग्रेस राज की तुलना में भाजपा सरकार कहीं ज्यादा मात्रा में खरीद कर रही है। हाल ही में गेहूं, चना और दूसरी फसलों के एमएसपी में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ भी मध्य प्रदेश के किसानों को होगा। किसानों को महंगा यूरिया, महंगी खाद ना खरीदनी पड़े, इसके लिए भी भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपया की है, आज वही बोरी भारत के किसानों को 300 रुपये से भी कम मिलती है। इस पर भी भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मेरे परिवारजनों, समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर परिवार के हित में जब ऐसे काम होते हैं तभी भाजपा सरकार इतना अधिक भरोसा होता है। यहां रतलाम में जो कुछ मैं देख रहा हूं वो भाजपा की प्रचंड विजय का उद्घोष है। और साथियों, मैं अभी छत्तीसगढ़ के आ रहा हूं, मेरे शब्द लिख लिए, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार बनना तय है। लेकिन भाजपा की ये विजय सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि 100% बूथों में कमल खिलना चाहिए। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपके दर्शन का मुझे लाभ मिला, लेकिन मेरा एक काम आए हैं तो करना पड़ेगा। करोगे? जो बाहर टेंट के बाहर लोग बहुत खड़े वो सुन रहे हैं मेरी बात, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे? मेरा एक काम करेंगे आप लोग? ये वाले टेंट वाले भी करेंगे, ये वाले भी करेंगे, पक्का करेंगे? मैं भरोसा करूं? वाह, तो मेरा एक काम करिए, ये जो मैं कह रहा हूं ना काम, वो चुनावी काम नहीं है, करोगे ना? चुनाव के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए कह रहा हूं, करोगे पक्का? एक काम करिएगा, यहां से घर घर जाइए और हर घर जाकर के कहिए कि मोदी जी रतलाम आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। इतना कह देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे हर परिवार में। जब मेरा प्रणाम पहुंचेगा, वो माता, वो बुजुर्ग, वो घर के परिवार के मुखिया जब मुझे आशीर्वाद देते हैं ना, तो मेरी काम करने की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है।
साथियों, आप इतनी बड़ी तादाद में आए, ये मोमेंटम बना रहे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रतलाम में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 बड़ी बातें पीएम मोदी की। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन दिया बीजेपी सरकार ने। गरीब की पीड़ा बीजेपी जानती है, समझती है। मोदी गरीबी से निकला है, ये बात कही है प्रधानमंत्री ने। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया बीजेपी सरकार ने। 5 साल तक मुफ्त राशन योजना चलती रहेगी, ये बात भी कही। मुफ्त राशन की योजना मोदी की गारंटी है। वहीं MP के हर घर में नल से जल मिलेगा। लाडली बहना योजना की तारीफ पूरे देश में हो रही है, ये बात भी कही है। लाडली लक्ष्मी योजना की भी तारीफ पूरे देश में हो रही है और एक एक गारंटी पूरी होने का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आज हमारा सौभाग्य है, हमारे सभी उम्मीद, देश का मान सम्मान और शान पूरे विश्व में बढ़ाया, हमसी सरकार चलाई, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आज हमारा सौभाग्य है, हमारे सभी उम्मीद, देश का मान। तो आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। हमसी सरकार चलाई। कांग्रेस मतलब गरीबों से विश्वासघात। कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रतलाम की पहचान स्वाद के लिए, जश्न में रतलामी सेव भी खाया जाएगा। हमसी सरकार चलाई।